खैरगाव परिसरात डुकरांचा सुळसुळट झाला असून त्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं आज पालिकेच्या निषेधार्थ शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन भोसले यांनी चक्क पालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर के अनिल रॉय यांच्या कार्यालयात डुक्कर सोडले. त्यामुळे काही काळ पालिकेत चांगलीच पळापळ झाली. खैरगाव, गणेशनगर, गुजरनगर, मंगलनगर, वाकड रोड या परिसरात डुकरांचा सुळसुळाट सुरू आहे. गेल्या 2 वर्षापासून डुकरांच्या त्रासानं नागरिक त्रस्त आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून डुकरांचा उपद्रव चांगलाच वाढलाय, त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्याच्या निषेधार्थ जिवंत डुक्कर अतिरिक्त आयुक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना भेट दिल्याचे नगरसेवक सचिन भोसले यांनी सांगितले. पोच कधीची आहे ही? 4 तारीख 3/4 म्हणजे याला किती दिवस झाले? 3/4/2017. आता कुठला महिना चालू आहे, कुठलं वर्ष चालू आहे? त्यानंतर 30 जून 2018. क्या किस तरीके से आपने वो शोर का बच्चा गिफ्ट दिया अधिकारी? इसके पहले क्या हुआ है कि 1.5 साल पहले हमने पीसीएमसी के जो कमिश्नर है इनको एक एप्लीकेशन दिया था कि अपने पूरे पिंपरी चिंचोड़ शहर में बहुत कुत्ते और डुक्कर, बहुत इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है. इसकी वजह से अपने जो इस शहर के जो नागरिक है इनकी तबीयत, हालत, इनके आरोग्य का बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रश्न निर्माण हुआ है. इसके बारे में 1.5 साल पहले भी हमने एक एप्लीकेशन दिया था, इनसे विनंती की थी कि इसके ऊपर तुम कार्रवाई करो, लेकिन आज तक आए उन्होंने कोई ऐसी ठोस कार्रवाई की नहीं है. आज मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे 350 से 400 कुत्ते और डुक्कर, कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन डुक्कर जो है वो लोगों के घर के आजू बाजू में इतना, बोले तो उनकी संख्या बढ़ गई कि लोगों के घर में भी घुसने की वो ये करते, इतने ज्यादा तादाद में वो बढ़ गए. इसके ऊपर मैंने बहुत बार इस अपने पीसीएमसी के कमिश्नर को भी मैंने इसके पहले एप्लीकेशन दिया है, इनको एक वीडियो भेजा था कि ऐसी हालत है, आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया. तो हमने आज इनको एक जिंदा डुक्कर यहाँ पे इनको दे दिया. अभी यही सोचे कि आगे इन्होंने लोगों के तबीयत का ख्याल रखना है. एक तो अपन बोल रहे कि स्वच्छ भारत अभियान, दूसरी जगह दूसरी तरफ बोलेंगे तो पूरा शहर में गंदगी फैली हुई है. तो ये जो है इसलिए इनको अच्छी तरह से कार्रवाई इन्होंने करनी चाहिए. ये इतने बार बताने के बाद भी ये काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आज हमको ये करना पड़ा. हमने ये शिवसेना की वजह से तरफ से किया है ये आंदोलन. आगे अगर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आज मैंने इनके ऑफिस में छोड़ा, मैं कल सभागृह में छोड़ूंगा, इतना ही मैं बोलता हूँ.